जेएनयू कैंपस के छात्र एक बार फिर से डरे हुए हैं। जी हां, 2020 में नवंबर में हुई घटना को लेकर एक बार छात्रों को यह डर सता रहा है कि नवंबर के जो आज की घटना थी, 10 नवंबर को जो घटना हुई, उससे छात्र इसलिए डरे हुए हैं कि कुछ छात्रों के बीच में जेएनयू कैंपस के अंदर फिर से झड़प का वीडियो सामने आया है। जी हां, 10 नवंबर को एक बार फिर से जेएनयू के अंदर कुछ आउटसाइडर छात्र जो है वो घुसे, ऐसा आरोप जेएनयू के अंदर पढ़ने वाले छात्रों ने लगाया है कि बाहर से घुसे हुए कुछ गुटों ने नर्मदा हॉस्टल के बाहर छात्रों से मारपीट करी है। इस मामले की खुद साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी मनोज सिंह ने पुष्टि करी है कि छात्रों को चोटें आई हैं, 2 छात्र जो है घायल हुए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। वसंत कुंज नॉर्थ थाने में अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी शिकायत नहीं मिली है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ये इंतजार कर रही है, अगर कोई शिकायत मिलती है शिकायतकर्ता के आधार पर पूरे मामले को देखा जाएगा। हालांकि जो वीडियो वायरल हुआ और मीडिया के माध्यम से जो जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली है, उसके आधार पर जेएनयू कैंपस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जेएनयू कैंपस के अंदर किसी भी आउटसाइडर को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ जो छात्र अंदर जा रहे हैं, चाहे रहने वाले लोग जा रहे हैं, उनके आई कार्ड को देखने के बाद ही जेएनयू कैंपस के अंदर एंट्री दी जा रही है, जिससे कुछ लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जेएनयू कैंपस के जितने भी मुख्य द्वार थे उनको बंद कर दिया गया है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले से जांच कर रही है, क्योंकि 2020 में जो घटना हुई थी वैसी घटना जेएनयू कैंपस के अंदर दोबारा ना आए, उसको लेकर एहतियातन के तौर पर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। चाहे जेएनयू कैंपस के अंदर की बात करी जाए, जेएनयू कैंपस के अंदर भी जो पुलिस है वो मुस्तैद है। साथ ही साथ बाहर के बाहर अगर बात की जाए तो वहां पर भी पुलिस बंदोबस्त जो है वो पुख्ता किए गए। बहरहाल पुलिस अब जो है वीडियो के आधार पर गाड़ी को भी आइडेंटिफाई कर रही है, क्योंकि जिस गाड़ी का वीडियो वायरल हो रहा है, एसयूवी जो गाड़ी हरियाणा नंबर की, उसकी भी जांच करी जा रही है कि आखिरकार वो कैंपस की थी या किसी छात्र की थी, उसको भी दिल्ली पुलिस अब जांच कर रही है। अब पूरा मामला जो है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पूरे संज्ञान में है, दिल्ली पुलिस इसको जल्द ही इस पूरे मामले का उजागर करेगी कि आखिरकार इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी थी। आइए देखते हैं, कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। जेएनयू कैंपस का ये वही वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जी हाँ, जेएनयू कैंपस के छात्रों के द्वारा ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे डाला गया, जिसमें देखिए किस तरीके से जो छात्रों का गुट है उनके ऊपर हमला करते हुए आउटसाइडर दिख रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि छात्र बाहर से आए हुए हैं चाहे आउटसाइडर हैं, हालांकि आरोप छात्रों के द्वारा लगाया जा रहा है कि आउटसाइडर हैं। उसके बाद देखिए जेएनयू कैंपस पर किस तरीके से एहतियातन के तौर पर जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा बढ़ा दी गई है। जेएनयू कैंपस की तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो पुलिस है यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ जो अब आरोप छात्रों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, आइए वो हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके का आरोप जो है छात्रों के द्वारा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि दिल्ली पुलिस का पूरी तरीके से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम जो है किए गए हैं कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। वहीं जेएनयू की जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन जेएनयू की सुरक्षा को सवाल जो है छात्रों के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि जेएनयू की जो सुरक्षा है वो पुख्ता नहीं है और इसी वजह से इस तरीके की घटना सामने आई है। जी हाँ, 2020 में नवंबर के महीने में जिस तरीके की घटना सामने आई थी, उससे एक बार छात्र डरे हुए हैं और आज फिर से 10 नवंबर को जो ये घटना सामने आई, उससे छात्रों ने सवाल उठा दिया कि जेएनयू के अंदर पढ़ने वाले छात्र जो है वो सुरक्षित नहीं है। अब फिलहाल छात्र क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की जवानी आपको सुनवाते हैं। आईसी, आज क्या हुआ, किस तरीके की घटना हुई थी जो इतनी पुलिस जो है कैंपस के अंदर है? देखिए, हम इतना ही बता पाएंगे, अब हमारे पास अभी भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स आने के लिए बाकी है। हम जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उनको कॉन्टैक्ट कर चुके हैं, तो उनके तरफ से रिपोर्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन जितना हमें पता चला है कि कल रात को 14-15 के ग्रुप में कुछ लोग सतलज में जाके हंगामा किए थे, स्टूडेंट्स ने ही रिपोर्ट किया था। सुबह सुबह कुछ स्टूडेंट्स ने सिक्योरिटी को भी रिपोर्ट किया, लेकिन सिक्योरिटी ने कोई मदद नहीं की। आज शाम को सिमिलर घटना हुई, आई कोइंसिडेंटली वॉज अ आई विटनेस टू इट। मैं वहाँ पर टेप्लाज में खाना खाने गई थी, जिसके कारण हम वहाँ पर थे जब अ ग्रुप ऑफ 10-15 पीपल और दूसरा एक ग्रुप के पीछे भाग रहे थे, और उस भागा दौड़ी में एक स्टूडेंट को मार रहे थे, हॉकी स्टिक्स वगैरह उनके पास थे। उस बीच में एक हरियाणा के रजिस्टर्ड नंबर से एसयूवी ब्लैक कलर का गाड़ी आया, जिसने रॉड वगैरह सप्लाई किया। कुछ लड़के उससे उतर के आए, जिसके वीडियोस भी हमने दिया है। इससे निकल के नर्मदा हॉस्टल के तरफ उन लोगों ने पत्थरबाजी, ईंट वगैरह फेंकने लगे, और कुछ लोगों को फिर से ढूंढने के तरफ जाके वो कर रहे थे। लेकिन सब सारे घटनाओं में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स यूनियन से, कि सिक्योरिटी का जो रोल रहा है वो काफ़ी क्वेश्चनेबल रहा है। सिक्योरिटी को जब हम बोल रहे थे बार बार कि पुलिस को कॉल कीजिए,
सिक्योरिटी को बोल रहे थे कि आप बाकी लोगों को यहाँ पे बुलाइए, बिकॉज इसको बंद करने की ज़रूरत है। अगर दोनों गुट में लड़ाई हो रही है, आपको उसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन सिक्योरिटी कंटिन्यूसली हमारे मुँह पे बोल रहे थे कि ये सब हम नहीं कर सकते, हम इक्विप्ड नहीं हैं और हमें पता नहीं है हमें क्या करना है, ये दोनों गुट की लड़ाई है, छोड़ दो। बात यह है कि उस लड़ाई में किसी ऑलरेडी 2-3 स्टूडेंट जितना रिपोर्टिंग आ रहा है कि उनको ऑलरेडी सर्वर फूटा है। तो ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ऐसे वायलेंसेस के, इनको स्टॉप करने की जिम्मेदारी सिक्योरिटी इवन JNU एडमिनिस्ट्रेशन का है। कल रात को एक अभी तक हमारे पास 2 लोगों की रिपोर्टिंग है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, क्या कुछ छात्रों का ग्रुप है, जैसे जिस तरीके से देखा जाए हमेशा लेफ्ट और राइट को लेकर हमेशा यहाँ पर लड़ाई की तस्वीरें आती थी। देखिए, इसमें कुछ भी रिपोर्टेड नहीं है, ना ही ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच की कोई भी लड़ाई है। यहाँ पे 2 ग्रुप्स थे, कौन से 2 ग्रुप्स है वो भी आइडेंटिफाइड अभी तक नहीं हो पाया है। बट जो भी हुआ कैंपस में, ये हम लोग एकदम कंडेम करते हैं। ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी रीज़न हो। और एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेप इन करना चाहिए सबसे पहले। अगर कल पहली बार हुआ भी था, जब हुआ रात को, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, हम लोग पूछना चाहते हैं। बिकॉज इन सारी चीज़ों के लिए कैंपस का आप अभी सिक्योरिटी देख पा रहे हैं। कैंपस में एक अनसेफ स्पेस बनते जा रहा है। कैंपस में स्टूडेंट्स बाहर नहीं आ रहे इन डर से कि कोई भी कल मारपीट करेगा और उस बीच में हम लोग फंसेंगे। कैंपस की एंट्री भी बंद कर दी गई, यहाँ पर अंदर पुलिस तैनात है, पुलिस की गाड़ियाँ अंदर। हाँ, अभी पुलिस अंदर तैनात है, लेकिन पुलिस वहाँ पर रिपोर्टिंग लेने गए हैं, उसके कारण अभी कैंपस को गेट्स को बंद किया गया है। लेकिन जब एक्चुअली घटना, अपना नाम बता दीजिए। मैं अनघा प्रदीप हूँ, मैं यहाँ की स्टूडेंट यूनियन काउंसिलर हूँ। जैसे ये पहली बार नहीं हो रहा है कि JNU में ऐसा कुछ वायलेंस का इंसिडेंट हो रहा है, बट इसमें जो पैटर्न दिखा गया है कि बार बार ऐसे इंसिडेंट्स हो रहा है, बट हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है और खासकर जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, वो कहीं पे भी कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे। वो अब देखे कि जिस तरीके से 2020 में एक यहाँ पे एक अटैक हुआ था, बाहर से कुछ गुंडा आके यहाँ के स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट और बाकी स्टूडेंट्स को मारे थे, और फिर उसके बाद बार बार ऐसे वायलेंस के इंसिडेंट्स हो रहा है। बट यही इश्यू हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोल रहे हैं कि किस तरीके से पहले जितना गार्ड्स होते थे JNU में 2019 से पहले, उससे कम किया, हाफ किया गया है। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं JNU में अभी जहाँ पे गार्ड्स नहीं है, और जहाँ पे गार्ड्स भी है भी, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि उनको, उनके साथ हम लोग कुछ रिपोर्ट लेके गए कि यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, तो उनको पता नहीं कि हम वो लोग कैसे डील करें। घटना को लेकर के आप लोग अनसेफ समझ रहे हैं अपने आप को? बिल्कुल एकदम, कि हम लोग को जैसे हमें पता चला है कि एक मॉब आके ऐसे एक हादसा हुआ रहा है, जो भी ग्रुप्स हो, हमें अभी तक नहीं पता है कि कौन सा ग्रुप्स है, कोई फ्रेंड्स ग्रुप है, क्या है, कुछ नहीं पता है। बट जिस तरीके से कल्चर ऑफ वायलेंस कैंपस में बहुत रैम्पेंट हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये पूरा एकेडमिक स्पेस जो है वो बहुत हॉस्टाइल हो रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर से फ़ोन आता है कि क्या हो रहा है JNU में, कुछ नहीं, वापस आ जाओ, पढ़ाई छोड़ के वापस आ जाओ, यहाँ पे सेफ रहो। तो ये एक माहौल जो है वो हमारे एकेडमिक्स को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है दिन भर। तो यही बार बार हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के भी बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड का जो नंबर है वो बढ़ाया जाए, उनको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए कि ऐसे कुछ भी केसेस हो तो उसको कैसे डील करना है, और ऐसे भी कुछ भी केसेस होने से पहले कैसे प्रिवेंट किया जाए। ठीक, धन्यवाद।